दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकारा। पंजाब, हरियाणा और यूपी के छोटे मझोले किसानों को एक क्विंटल पराली पर 100 रुपए का इंसेंटिव देने का आदेश दिया। वकीलों के साथ सख्ती नहीं करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच खींचतान जारी। संजय राउत बोले, बीजेपी अगर अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है तो आगे बढ़े। शरद पवार बोले, हम विपक्ष में बैठेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में प्याज की कीमतों में भारी उछाल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बोले, सभी उपाय लगभग खत्म। विदेश मंत्रालय प्याज के लिए तुर्की, ईरान, इजिप्ट और अफगानिस्तान से संपर्क करे। बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की सहयोगी हनीप्रीत को पंचकुला की अदालत ने जमानत दी। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से गोपनीय जानकारी साझा करने पर सेना का जवान राजस्थान में गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को कांग्रेस मुक्त किया। अब सोसाइटी में कोई भी कांग्रेस नेता नहीं। और कश्मीर घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर में लिपटा, मगर सैलानी नदारद।